नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच जिले का सबसे चमत्कारी मंदिर जहां देखा जाता है कि जनवरी माह के मकर संक्रांति पर सात दिवसीय मेला पड़ता है, यह वो स्थान है जो मनासा के पास में मनासा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले आत्री माता माताजी के मंदिर हम आपको दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ की गाथा क्या है, यहाँ के चमत्कार क्या है, इसको लेकर भी हम आपको आज स्पेशल स्टोरी में आपसे रूबरू कराएंगे। चमत्कारी आत्री माताजी का मंदिर, यहाँ पर माता रानी के आपको दर्शन करवाएंगे। माता रानी जो है बड़ी चमत्कारी मूर्तियां मानी जाती है, दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जनवरी माह की मकर संक्रांति में यहाँ पर सात दिवसीय मेला लगता है। मेले में दूर दराज से लोग आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो अपनी जीभ मन्नत मांगी जाती है, मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर अपनी जीभ जो है वो चढ़ाई जाती है माता रानी को। यहाँ जनवरी माह में काफी भीड़ लगती है और सामान्य दिनों में भी यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु जो है माता रानी की आत्री माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। इस वक्त हमारे साथ में सत्यनारायण जी तिवारी जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ मान्यता है। पुजारी जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा ये जो स्थान है कितने सालों पुराना मंदिर है? ये कम से कम 500 साल पुराना होना चाहिए। क्या मान्यता मानी जाती है, मतलब यहाँ के लिए खास क्या सोचा जाता है, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की मान्यता क्या है, चमत्कार कैसा है यहाँ माता रानी का? सबके कामना पूर्ण होती है यहाँ पे, जो भी आते हैं वो जो भी यहाँ ये करते हैं, मन्नत करते हैं, उनके अवश्य कामना पूर्ण होती है। क्या लगता क्या है, मतलब यहाँ पे जो मेला स्पेशल जो लगता है, कौन से दिनों में मेला लगता है, कितने दिवसीय और कितने सालों से लगता हुआ चला आ रहा है ये? करीब मेला पहले भी लगता था, जो डूब के आने के बाद 5-4 साल से बंद हो गया और करीब अभी 25 साल से चल रहा है। कौन से दिनों में यह मेला लगता है और कितने दिन तक लगता है? 14 जनवरी से 20 जनवरी तक के बीच में। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और क्या तस्वीरें क्या होती है मेले के दिनों में? यहाँ से तो बहुत मंदसौर जिले के भी आते हैं, नीमच जिले के भी आते हैं, राजस्थान के आए, उत्तर प्रदेश, सभी तरह के यहाँ से देखने लोग यहाँ आते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पर देखा जाता है कि चारों तरफ तालाब हैं, बारिश के दिनों में क्या तस्वीर होती, नज़ारा कैसा होता है यहाँ का? ये तालाब नहीं है, ये चंबल डैम का पानी ठोक है, यहाँ रेतम नदी है हमारे गाँव के पास में, माता जी के मंदिर के पास में, और ये वहाँ से चंबल से जुड़ी हुई है। यहाँ मन्नत लेकर जो लोग आते हैं, जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ कोई मान्यता है, किस प्रकार की मन्नत पूरी होने के बाद लोग क्या चढ़ावा देते हैं, क्या तस्वीरें क्या होती है यहाँ की? तस्वीरें तो जो भी अपने कामना पूर्ण होने के बाद जो अपने श्रद्धा से जो भी अपन बोलते हैं कि हम ये करूँगा, मेरा कार्य पूरे हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे पूजन करूँगा, या कुछ भी चढ़ाएगा, जो मेरे से श्रद्धा के अनुसार जो भी चढ़ाऊंगा वो चढ़ा सकता हूँ। जीप चलाने का भी परंपरा है कि लोग इतनी मतलब आस्था इतनी खतरनाक है लोगों की, को मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है तो जीप भी चढ़ाई जाती है, ऐसा बताते हैं। क्या हकीकत में लोग ऐसे आते हैं, जीप चढ़ती है, क्या कुछ तस्वीरें मिलती है? कम से कम 3,000 मनुष्य ने जीप चढ़ा दी यहाँ पे, करीब 25 जहाँ से मंदिर चढ़ा वहाँ से अभी यही कार्य चलता है। जीप कितने दिनों में वापस आ जाती है, क्या मतलब लोगों से बात भी होती होगी, क्या होता है क्या हकीकत में? ये 9 दिन तक उस आदमी को यहाँ पर अपने हाथों से ही जो मन्नत करता है वो अपने हाथों से जीप चढ़ाता है। किस किस प्रकार की मन्नतें विशेष करके लोग यहाँ लेकर आते हैं? ज़्यादातर तो बच्चों के विषय में आते हैं, पढ़े विषय वाले भी आते हैं, नौकरी लगने वाले भी बच्चे भी आते हैं कि मेरे अगर मेरी कामना पूर्ण हो जाएगा या सरस्वती लग जाएगी तो मैं मेरे हिसाब से 1 महीने की तनख्वाह या जो भी मेरे से श्रद्धा होगा मैं चढ़ाऊँगा। विकास को लेकर बात करें तो सालों से आप यहाँ रहते हैं, क्या इन सालों में तस्वीरें बदली मंदिर पर विकास को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया, क्या कुछ तस्वीरें हैं? तस्वीर तो बहुत बदल गई है यहाँ पे, पहले कुछ ये मंदिर ही था और सामने ये नहीं थे, चद्दर बने हुए थे, इसके बाद में इन्होंने पुजारी जी ने कोशिश करवा के लिए ऊपर चारों तरफ छत डलवा दी। पुजारी जी भी हैं यहाँ पे, आप कहो तो मैं गांव से बुला सकते हैं, बुला लो आप उनसे। मतलब कुल मिला के यहाँ का चमत्कार
सब जगह प्रसिद्ध है। हाँ सब जगह प्रसिद्ध है। जैसा कि बताना चाहूंगा यहाँ पर कुछ काका भी श्रद्धालु भी हैं दर्शन के लिए आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। काका कहाँ के रहने वाले हैं आप? मंदसौर का। क्या लगता है मंदसौर से आप यहाँ पर आ जाए हैं? हाँ। क्या आत्री माता के माता रानी के दर्शन करने आए? क्या कुछ परंपरा है यहाँ की? दरबार का तो बहुत साफ ऐसा है, चमत्कार बहुत बड़ा है। हाँ, माता श्री के बहुत लंबे आते हैं। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं और कब कब दर्शन के लिए आते हैं? मैं तो 4-5 बार आया हूँ करीब करीब। क्या बाकी इनके तो सब महिमा ही अलग है। क्या महिमा है, क्या क्या सुनी हुई है? महिमा सुने लोग बाग जीवान है काट के ना रख देते हैं, फिर आ जाते वापस जीवान। तो ये तो इसका काम ऐसा क्या माता रानी की कृपा माता रानी की। क्या लगता है भैया यहाँ पे कहाँ से आप आए हैं, क्या तस्वीरें देखने को मिलती है? प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ से आए माता रानी के दर्शन के लिए आए। क्या स्थिति है, क्या सुनाता है यहाँ पर, क्या मन्नत लेके लोग आते हैं, कितनी बार आप यहाँ आए, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? मैं तो कम से कम 20-20 बार आ गया भैया। कब आते हैं विशेष करके, किन दिनों में? मैं तो हकरत पे आता हूँ तो मेला पड़ता है यहाँ पे, उस टाइम आता हूँ और आता ही रहता हूँ, मतलब 20 साल हो गए मेरे को आते हैं। यहाँ की मान्यता क्या है माता रानी के बाद में, चमत्कार की गाथाएं क्या सुनी है? बस ये जीवन चढ़ाते हैं माता जी की, मन्नत लेते हैं, 9 दिन में जीवन आ जाती है वापस यहाँ पे, मन्नतें पूरी होती है। हाँ होती है ना। लोगों की आस्था कितनी है इनके प्रति? आस्था है ना, सब आस्था है ना। तो क्या नवरा मुझे मकर संक्रांति के दिनों में आते हैं, तस्वीरें क्या देखने को मिलती है? बहुत मेला लगता है, भीड़ बढ़ती है और बहुत। क्या कहेंगे माता रानी के स्थान को लेकर? बढ़िया बढ़िया है। काका कहाँ के रहने वाले हैं? नीमच के रहने वाले हैं। कब कब यहाँ आते हैं आप, क्या स्थिति है? हम तो आते जाते रहते हैं माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और महिमा अच्छी है यहाँ की। माता रानी की महिमा के बारे में मतलब शुरू से छोटे होंगे तब से सुनते आए होंगे, क्या कुछ गाथाएं यहाँ की, क्या चमत्कार क्या है माता रानी? चमत्कार हमने यही देखा है कि जैसे कि मेरे बहनोई है, मेरे जीजा, उन्होंने भी जीवन चढ़ाई यहाँ पे, मेरे साला जी है, उन्होंने भी जीवन चढ़ाई यहाँ पे। ये अपने परिवार के अंदर ही देख लो, ये मानी हुई चीज है तो अपन इस चीज को मानते हैं। चमत्कारी स्थान है, क्या चमत्कारी स्थान है माँ का? क्या लगता है लोगों की आस्थाएं कितनी? आप भी युवा यहाँ आए हैं, कुछ भी मांगते हैं वो इच्छा पूरी होती है यहाँ पे। विशेष करके किन दिनों में यहाँ मत तो ज्यादा माने, ज्यादा भीड़ कब लगती है? जब ये वो मेला पड़ता है ना उस टाइम और नवरात्रि। कहाँ से आए आप? बेलारी से। बेलारी से आए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा एक बार और माता रानी के दर्शन करा दूं मैं आपको। आत्री माता जी का मंदिर है, माता रानी की चमत्कारी मूर्ति है, दूर दराज से सालों 500 साल पुराना मंदिर है, दूर दराज से जो लोग है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ के चमत्कार काफी ज्यादा माने जाते हैं। मकर संक्रांति जनवरी माह का जो महीना आता है उसमें यहां पर 7 दिवसीय मेला पड़ता है। इस मेले में पांव देने की जगह नहीं, दूर दराज से लोग आते हैं। यहां की जो गाथाएं काफी पुरानी है, काफी प्रचलित है और माता रानी के प्रति लोगों की आस्था इतनी है कि लोग यहां से दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं। साथ आस्था में मन्नत पूरी होने पर ऐसा बताया जाता है कि यहां पर अपनी जीभ भी चढ़ाई जाती है। आत्री माता के दर्शन कराए, बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ का नजारा बड़ा ही मन मोहक है क्योंकि मंदिर के सभी तरफ जो है दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, दूर दूर तक जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सभी तरफ पानी दिखेगा, पानी भरा हुआ है, मंदिर जो है पानी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है मंदिर जो है, यहाँ पर लोग जो आते हैं। तो तस्वीरें माता रानी की आस्था के साथ यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो भी बड़ी मनमोहक लग रही हैं। लोग यहाँ आते हैं, नीचे बताना चाहूँगा, नीचे भी लोग गए, किस प्रकार से यहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनको भी दाना पानी डालने के लिए लोग आते हैं, अपने साथ कुछ लेकर आते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। बता दें कि ये जो मंदिर हैं ये आस्था का केंद्र माना जाता है, 500 साल पुराना आत्री माता जी का मंदिर है, मनासा के अंतर्गत ये आता है, दूर दराज से लोग आते हैं। मकर संक्रांति जनवरी माह में जो आता है उस समय 7 दिवसीय यहाँ पर भव्य मेला पड़ता है, उस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होने पर यहाँ पर जीप चढ़ाने की परंपरा सालों से चली आ रही है।